हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज छुट्टी है, हमेशा की तरह छुट्टी में घर में आधा मोरा बिजी होता है, तो घर का ही ब्लॉग दिखाएगा। बाहर तो नहीं जा सकता है, बाहर जाने के लिए कुछ नया चीज़ होना पड़ेगा, तो वही पुराना चीज़ है जो आप लोगों को दिखाते रहता है। तो अभी घर का ही ब्लॉग बनाएगा, बस घर का आज क्या कर रहा है वो सभी दिखाएगा। तो मैं सबसे पहले ये पर्दा लुक को पूरा अभी निकाल दिया है, पर्दा लुक को धोएगा। थोड़ा धूप भी हो रहा है, इतना भी धूप नहीं है लेकिन हो जाएगा, सूख जाएगा ये ना, ये करने से, वॉशिंग मशीन में वो करने से, क्या बोलते हैं, ड्राई कर देने से जल्दी सूख जाएगा। तो बहुत सारा कपड़ा है वो देखो, उसको भी सुखाना है अभी ऊपर में। सो यहाँ पे ये लोग को पहले ऐसे लोग को निकाल देगा, ये लोग को साथ में नहीं धो सकते ना, ये लोग को निकाल के अभी मशीन में सर कर देगा। पर्दा को मैं धो रही हूँ उसमें, वॉशिंग मशीन में। तो पर्दा का ये लुक ना ऐसे एक साथ नहीं रखने से गायब हो जाता है, तो हम इसे पॉलिटीन में इसे बांध के अभी रखेगा, जब तक पर्दा नहीं सूखता ऐसे पॉलिटीन में बांध के अच्छा सा जगह में रखेगा, नहीं तो पूरा सब इधर उधर होके बाद में पूरा गायब हो जाते हैं। गाइस कभी कभी मैं भी ना जान के भी अनजान टाइप हो जाते हैं ना, सुबह से लाइट ही नहीं है और हम कपड़ा धोने के लिए कर रहे थे, पूरा पर्दा को भी भिगो ही दिया, अभी वॉशिंग मशीन में धोना पड़ता है। तो हम यहाँ में पूरा भिगो के इसको घुराया है, तो देखा है तो लाइट ही नहीं है। ओ नो, अभी जल्दी लाइट नहीं आने से सूखेगा भी नहीं, और ये आज ही सूखने देगा सोचा था। स्पेयर वाला एक्स्ट्रा वाला ये जो पर्दा मेरे पास अभी नहीं है, मम्मी का ये मैं गोदरेज में रखा हुआ था, तो चाबी तो ले गया है, नहीं तो इसको सूखने, पुराना वाला लुक को तो फिर उधर आदमी को दे दिया ना, तो अभी क्या करेगा, ये नहीं सूखने से घर में पर्दा ही नहीं रहेगा, और घर में पर्दा नहीं रहने से इतना ख़राब दिखता है। देखो बिना पर्दा का घर कैसे इतना ख़राब दिखता है, देखो पूरा बिना पर्दा का। अभी तो क्या करेगा, ये सब कपड़ा को ऊपर सुखा लेगा, धूप है, काम तो बहुत है करने के लिए, लेकिन इसको पहले ऊपर सुखा लेगा ये लोग को, अभी नहीं सुखाने से फिर बारिश गिरने से प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जैमिक का छोटू छोटू कपड़ा लुक को भी सुखा देगा। तो यहाँ पे हम सुखा दिया है अभी कपड़ा लुक को, लाइट आने से वो जो मशीन में डाल के रखा है वो उसको भी धुला लेगा। यहाँ पे मैंने सुखा दिया है यूनिफॉर्म लुक को, यहाँ पे बाहर धूप में नहीं सुखा है, क्योंकि यूनिफॉर्म लुक को हम ना, अच्छा कपड़ा लुक को हम धूप में नहीं सुखाते, ये तो सुखाने से भी कोई बात नहीं है, तो वाइट है ना वो, इतना लाइट कलर है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप में सुखाने से। तो हमको टेरिस में हेल्प करने आया सोचे, तो बस मोटिवेट करने आया था, बोलते हमको मेरा साथ देने आया था, हेल्प नहीं, बस आई एम ऑलवेज विथ यू बोलने के लिए आया था बोलते। कांच बनाने का टाइम हो गया, ये यहाँ पे है बीफ का इंटेस्टाइन, ज़्यादा नहीं मिला है क्योंकि जल्दी नहीं है ना, जल्दी ख़त्म हो गया, हम लोग आते आते और हो जाएगा, ये चल जाएगा हम लोग के लिए। तो ये यहाँ पे टोमेटो डालेगा, ये है इसको साथ में डाल देगा, इसको इसमें डाल देगा, ये इंग्रीडियंट यही है, ये पेस्ट अदरक लहसुन का खुद से पिसा वाला पेस्ट है, ये प्याज भी हो जाएगा, तो बस यही है आज का लंच। तो मैं अभी इसको प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ। गाइस देखो, तो यहाँ पे एक बड़ा काम बनाने लायक ये कांड कर रहा है लड़की, देखिए तो ये थोड़ा पहले मैं मूस लिया था, अभी देखो फिर गंदा कर रहे हैं पानी। जेमी ये पानी कौन लाया यहाँ पे, जेमी लाया है, अबुम लाया है, कैसे करके लाया है, जेमी लाया है तो कैसे करके लाया है, आप जो किसे करके लाए बता गाइस, इसका हम बताएगा किसे करके लाया है, इसको ना ही उसका भैया लोग ले दिया है ना इसका पिताजी ले दिया है, इसको ये मग से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ा के अभी देखो नहा रहे, नीचे में बहुत देर से खेल रहा था, तो आके अभी खुद से नहाएगा बोलते, वो भी बाहर पे, बाथरूम भी है सामने में है, बाथरूम में नहीं नहाते, यहाँ पे देखो पूरा आज का साफ किया वाला, पोछा मरा वाला पूरा गंदा हो गया, देखो अब ये बोल रहे जेमी, जेमी अप्पा से लाया है, मतलब जेमी खुद से लाया, अपना से लाया है बोलते,
मग में थोड़ा थोड़ा करके इतना भरा दे, देखो इसका दिमाग तो डेंजर है। तो यहाँ पे हम पम्पकिन पका रहा है, पम्पकिन और थोड़ा बेम्बू शूट डाल के बॉईल कर रहा है, कितना भाजी करेगा ना। तो ये मीट को तो इंटेस्टाइन को तो भाजी कर ही रहा है, तो इसको ये करेगा बॉईल करेगा। यहाँ पे सब कुछ डाल दिया हम जो, तो चलिए गाइस तेल गर्म हो गया, अभी पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा फ्लेम कम करेगा, कर दिया। अभी प्याज डालेंगे, ब्राउन होने का बाद में गार्लिक पेस्ट को डाल देगा। अभी गार्लिक पेस्ट को डाल देगा, इसको थोड़ा पकने देगा। बाद में ऐसे करते थोड़ा प्यास लग गया। ये मेरा फेवरेट स्टील, हम ज़्यादातर स्टील ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पानी है ठंडा, स्टील मग में पानी पीने का कुछ अलग मजा है, बढ़िया लगता है। लेकिन मेरा हस्बैंड को ना शीशा वाला ऐसे वाला में अच्छा लगता है पीने के लिए, हमको ऐसे लगा, दोनों अपोजिट। अभी ये मिर्चा पीस के रखा ला, वो ज़्यादा जोर ज़्यादा से ज़्यादा महीन होने तक तो नहीं पीसा है, थोड़ा क्रश करके डालेगा, एकदम टेस्ट हो जाता है मिर्चा डालने में ना। मिर्चा हर सब्जी में हमको होना ही है, जिसमें जेमी जिस जो सब्जी को नहीं खाएगा उसको हम मिर्चा डाल देते हैं हमेशा। बच्चा लोग सब खाता है, सिर्फ जेमी को छोड़ के जेमी नहीं खाता है। डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मसाला, हल्दी, हल्दी पाउडर, ये लोकल, एकदम लोकल है मेरा ये हल्दी ना, ये इसको हम यूज़ नहीं करते, ये बस ये लोकल वहाँ से वेडनेसडे मार्केट से खरीदा था बंदर द्वारा से। उसके बाद यहाँ पे मीट मसाला, ये मीट मसाला थोड़ा सा, एंड ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा, बाद में चिल्ली पाउडर बाद में डाल देगा। अब ये मसाला को थोड़ा ये नहीं देगा, उसका बाद में मीट को डाल देगा, मीट मतलब इंटेस्टाइन को। थोड़ा मसाला को पकने के लिए हमें थोड़ा से झूल डालेगा, ये जिसमें मिर्चा पिसा था उसमें वहाँ का उसमें पानी भरा के थोड़ा झूल डालेंगे इसको, थोड़ा मिर्चा को पकने देगा, मिर्चा थोड़ा कच्चा कच्चा है तो ना, मसाला को भी अच्छे से पकने देगा। ये पकने के बाद में हम जो थोड़ा टमेटो डाल देगा, टमेटो डाल के इंटेस्टाइन को डाल देगा मीट इंटेस्टाइन, नमक डाल देगा। टेस्ट के अनुसार डालना है नमक को, इतना ज़्यादा भी नहीं। चिल्ली पाउडर अभी डाल देगा, ये चिल्ली पाउडर एक्चुअली जाल नहीं है, कश्मीरी रेड मिर्च है, कश्मीरी रेड मिर्च तो जाल नहीं होते ना, बस कलर के लिए। अभी देखिए इतना सुंदर कलर हो गया ना, ये बस कलर के लिए है कश्मीरी रेड मिर्च, जाल नहीं है। और यदि हम मिर्चा डाल दिया तो नहीं है। अभी डालेगा टमेटो, टमेटो डाल के थोड़ा उसको हिलाने का बाद में वो डाल देगा, मीट को डाल देगा, मीट मतलब इंटेस्टाइन, वो भी तो मीठी है ना, उसको डाल देगा। थोड़ा थोड़ा देर का बाद डाल देगा, तो चलिए अभी मीट को डाल देते हैं। कितना बढ़िया कलर, बढ़िया स्मेल। अभी कुछ देर तक हम ढक्कन मार के रखेगा, उसके बाद थोड़ा देर बाद आके देखेगा और फ्लेम थोड़ा कम करेगा। अभी हमको हम कपड़ा धुला के रखा वाला को थोड़ा देखने जाना है, उसको स्पिन भी करना है, थोड़ा फ्लेम कम करके रखेगा कपड़ा हो या। अभी इसको स्पिन करना है, स्पिन करके ऊपर सुखाएगा तेल इसमें। अभी इसको स्पिन करने देते हैं, उसका बाद में ऊपर में सुखाएगा टेरेस में। सब्जी को चेक करके देखिएगा,
इसको आस्ते आस्ते पकने देगा, ज़्यादा फ्लेम बढ़ाने से भी जल जाएगा ना, इसलिए मसाला आलू जल जाता है, इसलिए थोड़ा कम मीडियम फ्लेम में इसको पकाएगा। अभी काफ़ी सारा बर्तन गंदा हो चुका है तो अभी इसको हम धोएगा, क्योंकि मैम पढ़ रहे ना, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए जेमी क्या काम कर रहा है, देखो मेरा काम फिर बरा रहा है। देखो ये लड़की तो मामा को मदद ही नहीं करते, बस ऐसे काम बरा देते हैं। देखिए पूरा बाहर निकाल देगी वो, इसको कौन ठीक करेगा जेमी, जल्दी ठीक करो। सिर्फ काम बरा देते हैं मामा को। इसका कपड़ा स्पिन हो गया, अभी ऊपर सुखा देगा। तो ये अभी इस कपड़ा को सुखाने जा रहा है, ये पर्दा लुको। एक आदमी सो काम उपाय नहीं है, लोग औरत का कहानी उपाय नहीं है। ऑफिस घर आने से ऑफिस में भी बिजी, घर में आने से भी यही सेम काम। इसको ऊपर सुखा लेगा, पर्दा लुक वहाँ पे सुखा दिया है, आधा उधर सुखाया है, और भी बहुत धोना है, उसको बाद में धोएगा। वो जगह सुखाने का जगह भी नहीं है, और इधर भी थोड़ा ये ग्लूमी हो रहा है, थोड़ा बारिश गिरेगा ऐसा हो रहा है, तो बाद में धुला लेगा नेक्स्ट टाइम को। तो चलिए मेरा सब्जी को चेक करते हैं। अभी एक इंसान 100,000 काम उपाय नहीं। मेरा सब्जी ठीक ठाक है, अभी हम लोग लंच करेगा। यहाँ पे पक गया है मीट, देखिए अच्छी तरह से पक गया है, अभी बढ़िया से पका दिया मैंने। अभी लंच करेंगे हम लोग, बाहर पे लंच करेंगे टीवी देखते हुए। वैसे हम लोग अभी लंच कर लिया है, हम लंच करते समय तेरा वीडियो बनाएगा सोचे तो, जो भी मेरा मोबाइल को छीन के भाग गया वो वीडियो। आज का कपड़ा धोया वाला यहाँ पे पूरा झप के रखा है, इसको तो नहीं झप पाया, हम आके झपेगा इसको, ज़्यादातर को झप के रखा है। ये लोगों को तो गोदरेज में रख देना है हैंग करके, तो ये लोगों को ऐसे अभी हम रख के जाएगा, हम तरफ फेलोशिप जाएगा, अभी लेट भी हो गया, नहा लेगा उसके बाद फेलोशिप जाएगा। हम ये सोच रहे कि जेमी को हम कैसे छुप के जाएगा, इसका पिताजी भी नहीं है, भैया दोनों को रख देना पड़ेगा, तो इससे तो हम इसको तो नहीं ले जा पाएगा, ये हम डिस्टर्ब करेगा ना, तो भैया दोनों को रख देना पड़ेगा। थोड़ा फेलोशिप जाके आएगा, ऑलरेडी बहुत देर हो गया, हमेशा देरी होता है, हम जो ना जल्दी जल्दी जाएगा। गैस फेलोशिप में जस्ट अभी पहुंचा है, अभी थोड़ी देर बाद प्रार्थना ये सब करके घर चले जाएंगे, ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो गया है, अभी घर जाके डिनर भी बनाना है। गैस अभी पहुंच गया फेलोशिप से, देरी हो गई, बहुत देरी हो गई, अंधेरा भी हो गया, देखिए उजाला में गया था, अंधेरा को पहुँच गया यार, जो थोड़ा देरी सर्विस चला था। तो बस यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे आप नए से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, बाय बाय, गुड नाइट।